दोस्तों हजरत इब्राहिम आल सलाम अल्लाह के जलील कदर और मकरब तरीन पैगमरों में से एक हैं जिन्हें खलील यानी अल्लाह के दोस्त के खिताब से नवाजा गया है दोस्तों हजरत नू अम के बाद आप वो पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तोहीद की दावत के फैलाने के लिए मबूस फरमाया हजरत इब्राहिम ने इराक में शाम फलस्तीन से लेकर अरब की सहराई वादियों तक तोहिद की दावत आम की फिर अपनी मिशन की तकमील के लिए सर अरब में अपने बड़े बेटे हजरत इसमाईल अम को शाम और फलस्तीन में दूसरे बेटे हजरत इसहाकली सलाम को और मशर की उड़न में अपने भतीजे हजरत लूत अलीस्म को मुकर फरमाया दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत इब्राहिम की जिंदगी और आप इसलाम की सीरत के मुख्तलि पहलुओं से आगाह करेंगे जिनका इल्म होना हर मुसलमान के लिए जरूरी है लिहाजा आपने वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाभ भी देखना है दोस्तों मेरा नाम है महनूर और आप देख रहे हैं फैक्ट डब्ल्यू के अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए दोस्तों आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का दोस्तों याद रहे कि अल्लाह तबारक ने कुरान जीत में उनहत्तर मकाम पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अबाऊ इजदाद अरब से हिजरत करके बाबुल में आबाद हो गए थे वहीं आप अलैहिस्सलाम की विरादत हुई आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारुख था लेकिन आजर के नाम से मशहूर थे रवायात के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त आजर की उम्र सेवेंटी फाइव साल थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अलावा आजर के दो बेटे और थे एक का नाम नाहूर और दूसरे का हरान था हरान का इंतकाल आजर की जिंदगी में ही हो गया था हरान का एक बेटा था जिसका नाम लूत अली दोस्तों लूत अली ने अपने वालिद के इंतकाल के बाद अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अपने चाचा हजरत इब्राहिम के साथ गुजारा यहाँ तक की अल्लाह तबारक ने हजरत लूतम को भी नबूत ऐसी सरफराज याद रहे दोस्तों की हजरत इब्राहिम के वालिद आजर का पेशा बुध तराशी और बुध फरोशी का था और दोस्तों ये भी याद रहे की उस वक्त बाबुल और इसके आस पास के इलाकों में नमरूद की बादशाही थी जो की एक बहुत ही ताकतवर और जाबिर और बुध परस्त हुक्मरान था कहते हैं कि सर पर ताज सबसे पहले नमरूद नहीं पहना था यह बाजोरे ताकत रवायत से अपनी परस्तिश करवाता था एक मरतबा इसने अजीबो गरीब ख्वाब देखा की आसमान पर एक बड़ा रोशन और खूबसूरत सितारा नमूदार हुआ है जिसकी रोशनी इतहाई तेज थी इस सितारे ने आसमान पर चमकते चांद और तमाम लाखों सितारों की रोशनी को मानंद कर दिया सुबह हुई तो नमरूद ने शहर के तमाम बड़े कहानों और नजूमियों को दरबार में तलब करके अपना ख्वाब सुनाया और ताबीर मांगी नजूमियों ने ताबीर बताई कि इस शहर में अन करीब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो अजीम बादशाह के ज़वाल का बाइस बनेगा और हमारे खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा और इसके दीन का प्रचार करेगा दोस्तों नजूमियों की इस खबर ने नमरूद को सख्त परेशान कर दिया चनाचा इसने फौरी हुक्म जारी किया की जो भी बच्चा पैदा हो उसे फौरी तौर पर कतल कर दिया जाए बादशाह के हुक् आरोप अमल दरामद शुरू कर दिया गया और बाबुल की सरजमीन नौजायदा बच्चों के खून ऐसी ख हो गई। लेकिन हजरत इब्राहिम अली सलाम की विलादत अल्लाह की मंशा थी और अभी बादशाह के फरमान को कुछ ही वक्त गुजरा था की हजरत इब्राहिम की विलादत का वक्त करीब आ गया दोस्तों आज़र और इनकी बीवी को अपनी औलाद का खून किसी कबूलना था लिहाजा दोनों ने इसे छुपा कर पालने का फैसला किया और बच्चे की पैदाश ऐसी पहले बाबुल के पहाड़ो के दरमियान एक गार तलाश कर लिया हजरत इब्राहिम की वालदा ने इन्हें गार में जन्म दिया और बच्चे को अल्लाह के सपुर्द करके घर वापस आ गयी वालयदा ऐसी छुपते छुपाते गार में जाती और बच्चे को दूध पिलाकर आ जाती कुछ अरसा तक यूं ही चलता रहा और फिर कुछ अरसे के बाद आप बड़े हो गए तो वालिदैन घर ले आए और अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से हज़रत इब्राहिम अली सलाम को जिंदा सलामत रखा दोस्तों याद रहे की हजरत इब्राहिम सलाम को अल्लाह ताला, ताला ने बचपन ही से सराते मुस्तक पर रखा था और अपने रसूल के तौर पर मुंतब कर लिया था जैसा की कुरान मजीद की सूरह अम्बिया की आयत नंबर इक्यावन में अल्लाह तरशाद फरमाते हैं और हमने इब्राहिम अलीलाम को पहले ही से हदायत दी थी और हम इनके हाल से वाकिफ थे हज़रत इब्राहिम अलीम ने वालिद को बुध तराशते और इनको पूछते देखा तो इनसे सवाल किया ये क्या है इनके वालिद ने कहा ये हमारे खुदा है हज़रत इब्राहिम ताजुब से कहा ये कैसे खुदाए की जिनको आप फतरो के टुकड़ो से तराश रही हैं कहते हैं कि इनके वालिद ने इन्हें एक दिन एक टोकरे में बहुत से बुत रखकर दिए कि जाओ इन्हें जाकर बाजार बेचाओ वालिद के हुक्म की तकमील करते हुए टोकरा लेकर वो बाजार पहुँच गए और आवाज़ लगाई की ऐ लोगो आओ और अपने इन खुदाओं को खरीद लो जो ना तो तुमको नफा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान लोग जमा होते अपने खुदाओं के बारे में हजरत इब्राहिम की गुफ्तगू को सुनते और ताजुब से आगे बढ़ जाते दोस्तों बाजार जाने का यह सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा जब एक बुद्ध भी ना बिका बल्कि लोगों ने हजरत इब्राहिम की शिकायतों के अंबार लगा दिए तो आजर ने इन्हें बाजार भेजना बंद कर दिया हजरत इब्राहिम बचपन ही से माबूदे हकीक़ी की जस्तजु और नज़ाम कायनात पर गौरव फिक्र करने लगे अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम आई स्म को बचपन ही में हदायत और अकले सलीम अता फरमायी थी वो जब छोटे थे तो हैरान होकर सोचते थे कि अपने हाथों से तराशे पत्थर के टुकड़े हमारे महबूद कैसे हो सकते हैं इन्हें इस महबूदे हकीक़ी की तलाश थी जिसने कुल कायनात को बनाया था दिन रात इसी जुस्तजू और फिक्र में रहते फिर बाली ताला ने इन्हें कायनात की कुछ और चीज़ों का भी मुशाह करवाया जैसा की कुरान पार्क में इर्शाद है और हम हजरत इब्राहिम स्लम को आसमान और जमीन के इजाइबा दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में ऐसी हो जाए यानी रात ने उनको पर्दा तरीक़ी ऐसी ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर आया कहने लगी की मेरा परवर है जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद नहीं फिर जब चांद को चमकते देखा तो कहने लगे यही मेरा परवरदिगार है लेकिन जब वो भी छुप गया तो वो कहने लगे अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं इन लोगों में से हो जाऊंगा जो भटक रही हैं फिर जब सुबह सूरज को देखा कि वो आसमान पर जगमगा रहा है तो कहने लगे मेरा परवरदिगार ये है ये सबसे बड़ा है मगर जब वो भी गरुब हो गया तो कहने लगे लोगो जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं इनसे बेजार हूँ ये डूबने और गायब होने वाले मेरे खुदा नहीं हो सकते वो कोई और ही हस्ती है जिसने इन सब को पैदा किया जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है मैंने सबसे यकसू होकर अपनी ज़ात को इसकी तरफ मतवजा कर लिया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और मैं मुश्रकों में से नहीं हूँ दोस्तों रवायात में आता है कि नबूत से सरफराज होने के बाद हजरत इब्राहिम ने सबसे पहले अपने वालिद को तोहीद की दावत दी इस सिलसिले में इनका अपने वालिद से क्या मुनाजा हुआ इसे कुरान पाक की सूरह मरियम में यूं बयान किया गया है और जब इब्राहिम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा ऐसी चीजों को क्यों पूछते हो जो न सुन सकती है और न देख सकती है और ना ही आपके कुछ काम आ सकती है अब्बा मुझे एक ऐसा इल्म हुआ है जो आपको नहीं मिला तो आप मेरे साथ हो जाए मैं आपको सीधी राह पर चला दूंगा ऐ मेरे अब्बा शैतान की पूजा ना कीजिए बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है अब्बा मुझे डर लगता है की आपको अल्लाह का अजाब ना पकड़े तो आप शैतान के साथी हो जाएंगे दोस्तों आपने मुलायजा फरमाया कि हजरत इब्राहिम ने अदबो एम के तकाजों को पूरी तरह ललहूज खातिर रखते हुए नहायती मुहब्बत और प्यार ऐसी अपने वालिद को तहीद के बारे में आगा किया लेकिन इनके मुश्रक वालिद ने इस नरमी और प्यार के बावजूद इन्हे नहायती सख्ती ऐसी कहा तू अगर मेरे महबूदो की मुखालत करने ऐसी बाज न आया तो याद रख मैं तुझसे बड़ी सख्ती ऐसी पेश आऊंगा जिसको कुरान पाक की सुर मरियम की चवालीस और सैतालीसवीं आयत में अल्लाह ताला इस तरह अर्शात फरमाते हैं आजर ने कहा की ए इब्राहिम क्या तू मेरे महबूदों से बर्गता है अगर तू बाज न आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा इस मौका पर हज़रत इब्राहिम ने असलम कहा और कहा की मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश तलब करूंगा बेशक वो मुझ पर मेहरबान है दोस्तों फिर हजरत इब्राहिम की कौम का ईद का दिन आया तो पूरी कौम शहर से बाहर जाकर ईद की खुशियाँ मनाने की तैयारियों में मसरूफ हो गयी लोगों ने हजरत इब्राहिम इब्राहमीम को भी साथ चलने की दावत दी लेकिन उन्होंने साथ जाने से इनकार कर दिया दरअसल वो ऐसे किसी मौका की तलाश में थे कि जब कोई ना हो और वो सबसे बड़े महबूत खाने में दाखिल होकर तमाम बूतों को मस्मार कर सके चनाचा लोगो ने ईद के सुबह सबसे पहले अपने बूतों को सजाया फिर हसबे रवायत इनके आगे तरह तरह के खाने सजाए इनमें रिवाज था की मेले ऐसी वापिस आकर इस खाने को बड़े एहतराम ऐसी खाते थे इस काम ऐसी फारिग होकर सब लोगो ने शहर ऐसी बाहर मेले में जाने का इरादा किया और हजरत इब्राहिम ने कुल्हाड़ा उठा लिया और बुत खाने में दाखिल हो गए और बुतों को तोड़ना शुरू किया जिसका नक्शा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूर्य सफात की आयत नंबर इक्यानवे से तिरानवे में यूँ खींचा है कि हजरत इब्राहिम छुपते छुपाते इनके मबूदों के पास गए और फरमाने लगे तुम खाते क्यूँ नहीं तुम्हे क्या हो गया है तुम बोलते क्यों नहीं फिर इनको दाएं हाथ से मारना शुरू किया और तोड़ना शुरू किया जब तमाम बुत टूट गए तो आप अलीम ने कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया और घर वापस आ गए शाम को लोग खुशी खुशी मेले से वापस आए और बुतों के पास पहुँचे ताकि खाना तनाबुल करे लेकिन वहाँ का मंजर ही कुछ और था और वो हैबतनाक मंजर देख कर सभी परेशान हो गए सब बुत ऊंधे पड़े थे ये मंजर देख कर सब लोग गुस्से से पागल हो गए इनमें से बहुत से लोगों को इस बात का यकीन था कि ये काम हजरत इब्राहिम ने ही किया है जैसा कि कुरान पाक में इशाद है कि लोगों ने कहा हमने एक नौजवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है इसे इब्राहिम कहते हैं चनाचा हजरत हाँ इब्राहिम को बुलाया गया जब आप अलैहिस्सलाम आए तो मुश्रिकों ने कहा इब्राहिम हमारे माबूदों के साथ तूने क्या किया है इब्राहिम ने कहा ये इनके बड़े बुत ने किया होगा अगर वो बोलते हैं तो इनसे पूछ लो उन्होंने अपने दिलों में गौर किया तो आपस में कहने लगे बेशक हम ही जालिम है फिर शर्मिंदा होकर सर नीचे कर लिया और बोले तुम जानते हो की यह बोलते नहीं है हजरत इब्राहिम अली ने जवाब दिया जिसका जिक्र अल्लाह तला ने सुरह अंबिया की आयत नंबर साठ से सरसठ में किया है फिर तुम अल्लाह को छोड़ कर क्यूँ ऐसी चीजों को पूछते हो जो न तुम्हें कुछ फायदा दे सके और ना नुकसान तो फै तुम पर और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो इन पर क्या तुम तो अकल नहीं रखते दोस्तों बुतों को तोड़ने का यह अमल नमरूद और इसकी कौम के नज़दीक नाकाबले माफी जुर्म था लिहाजा उन्होंने फैसला किया की कि हजरत इब्राहिम अली सलाम को इंतहाई सख्त और दर्दनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी की भी बुतों की बेहूमती करने की हिम्मत न हो चनाचा नमरूद के हुक्म पर खंदक खो दी गयी फिर कौम के हर फर्द इस काम को मुकद्दस समझते हुए इसमें लकड़ियाँ जमा करनी शुरू कर दी यहाँ तक कि अगर किसी का कोई काम रुका होता तो वो मन्नत मांगते की काम हो जाएगा तो इब्राहिम को जलाने के लिए लकड़ी का गड्ढा दूंगा खंदक के भर जाने के बाद इसमें आग रोशन कर दी गई फिर एक मंजनीक बनाई गई जिसके जरिए हजरत इब्राहिम को रस्सियों से जकड़कर आग में फेंक दिया गया इस मौका पर हजरत इब्राहिम ने कहा हमें अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है दोस्तों हजरत इबन अब्बास रजिया और हजरत सुकैद बिन जाबिर रजी से मरवी है कि इस वक्त बारिश वाला फिश्ता इस तरह और परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिलेगा और मैं बारिश बरसाऊंगा लेकिन अल्लाह का हुक्म वास्ता इससे ज्यादा तेज था यानी अल्लाह तला ने खुद ही आगु हुक्म फरमा दिया और आग गुलजार गुल बन गई जैसा की कुरान पा की सूर अंबिया की आयत नंबर उनहत्तर में अल्लाह तबारो को ताला इर्शाद फरमाते हैं ए आग इब्राहिम स्लम आरोप ठंडी और सलामती वाली हो जा दोस्तों रिवायात में आता है की हजरत जब्राहली स्लम हजरत इब्राहिम के साथ थे और आपकी जबीन अथर यानी परेशानी ऐसी पसीना पहुँच रहे थे और इस पसीने के अलावा इन्हें और कोई तकलीफ नहीं पहुँची हजरत अबू हुरारजी ऐसी मरवी है की हजरत इब्राहिम के वालिद के कहे हुए कलामत में सबसे अच्छे कलेम वो है जो इसने अपने बेटे को आग के अंदर देख कर कहे थे अः इब्राहिम तेरा परवरदिगार ही बेहतरीन परवरदिगार है और हजरत मिनहाल बिन उमरू रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि हजरत इब्राहिम इस आग में 40 या 50 दिन तक तक रहे उन्होंने फरमाया कि मैंने इन दिनों से अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही कि मेरी पूरी जिंदगी इसी की तरह हो जाए दोस्तों बुखारी या मुस्लिम शरीफ और इब्ने माजा में है कि हजरत इब्राहिम की इस आग के हवाले से हजरत उम्मे शरीक रजी अल्लाह मरवी मर भी है की रसूल सल्लाम ने छिपकली के मारने का हुक्म दिया और फरमाया की इब्राहिम अलैहि सलाम पर जलने वाली आग को फूक मार रही थी और मसन्द अहमद में हजरत आयशा रजी अल्लाह ऐसी रिवायत है की रसूल अल्लाह ने फरमाया छिपकली को मारो क्यूँकी वे इब्राहिम सलाम आरोप आग को फूक मार रही थी दोस्तों तारीखी कुतुब के मुताबिक हज़रत इब्राहिम सलाम आग ऐसी सही सलामत वापस आ गए तो नमरूद और इसके लोग बड़े हैरान भी हुए और परेशान भी इस मौका आरोप नमरूद ने हज़रत इब्राहिम सलाम ऐसी कहा इब्राहिम क्या तुमने अपने इस रब को देखा भी है की वो कौन है और कहाँ है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है नमरूद बोला ये क्या मुश्किल है ये तो मैं भी कर सकता हूँ इसने अपने दो गुलामों को दरबार में बुलाया और इनमें से एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया और बोला देखो मैंने एक को मार दिया और दूसरे को जिंदगी दे दी दोस्तों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसकी बेवकूफ़ी की इस बात को सुनकर और इसकी हरकत को देख कर फरमाया मेरा अल्लाह तो सूरज को मश्रक से निकालता है तो तू उसे मगरिब से निकाल दे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल का नमरूद के पास कोई जवाब ना था चनाचा वो हवा से बागता होकर दरबार से उठ कर चला गया रवायात में आता है कि आग में डाले जाने के बाद हजरत इब्राहिम सलाम ने बाबुल से हिजत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने अहिल खाना के साथ हिरान नामी इलाके में हिजत कर गए हजरत इब्राहिम अली सलाम ने बाबुल में ही अपनी चचाजात बहन हजरत सारा रजी रजिया से शादी कर ली फिर अल्लाह ताला ने आप सलाम को बैतुल बैतुलमकदस जाने का हुक्म फरमाया उस वक्त आप सलाम की उम्र पचहत्तर साल थी बैतुल बैतुलमकदस में कुछ अरसा क्याम के बाद आप अलैहिस्सलाम मिस्र हिजरत कर गए दोस्तों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र पहुंचे तो वहाँ फिर की हुकूमत थी और उम्र बिन अमरत अल कैस वहाँ का फिरौन यानी बादशाह था जो नहायत ही आयाश और जालिम और जाबिर था किसी ने बादशाह को बताया की हमारे शहर में एक परदेसी आया है जिसके साथ एक हसीन और जमील औरत भी है फिरौन ने यह सुनकर फौरी तौर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया और हजरत सारा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल जवाब किए दोस्तों सारा अली सलाम अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी थी और उन्हें अपने अल्लाह पर बड़ा यकीन था चनाचा वो तलब करने पर बादशाह के पास तशरीफ ले गई। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो वो खुद पर काबू न रख सका और बुरे इरादे से इन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा हजरत सारा उस वक्त अपने रब ऐसी दुआ में मसरूफ थी जैसे ही फिर आगे बढ़ा इसके कदम जमीन में धस गये बादशाह बहवस हो गया और जल्दी ऐसी बोला तुम मेरे लिए अपने रब ऐसी दुआ क्यूँ नहीं करती मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा हजरत सारा अलीम ने दुआ फरमाई की ए अल्लाह अगर ये मर गया तो कहा जाएगा की मैंने उसे कतल किया है ए अल्लाह तू इसे आजाद कर दे इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने उसे आजाद कर दिया लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज ना आया दोबारा आगे बढ़ा तो मजीद अंदर धस गया इसने फिर दुआ करने के लिए कहा हजरत सारा अली सलाम ने दुआ की और वो फिर आजाद हो गया रावी कहते हैं की तीसरी या चौथी बार में वो पुकार उठा और अपने दरबारियों से कहने लगा तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए फिर उसने हजरत सारा अली सलाम को इज़्ज़त और एहतराम से रुख्सत किया बल्कि एक खादमा हजरत सलाम भी इनकी खिदमत में पेश की कई महकीन के मुताबिक हजरत हाजर बादशाह की लोंडी नहीं बल्कि बेटी थी हजरत सारा अली सलाम हजरत हाजर को साथ लेकर हजरत इब्राहिम के पास तशरीफ लाई तो देखा की वो नमाज में मसरूफ थे फारिग होकर बीबी ऐसी सवाल किया की कि क्या हुआ हजरत सारा अली स्ल्लाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ने काफिर के मकर को रद्द कर दिया और फाजर की बुराई को इसके सीने में दफन कर दिया दोस्तों कहा जाता है कि इस वाकई के बाद हजरत इब्राहिम फलस्ती मुंतकिल हो गयी कुछ अरसा गुजरा तो एक दिन हजरत सारा अली सलाम ने हजरत इब्राहिम ऐसी फरमाया की मैं चाहती हूँ की आपका कर ले शायद अल्लाह आपको औलाद की नियमत ऐसी नवाज दे इस वक्त तक आपकी ओलाद नहीं हुई थी और फिर हजरत सारा ने आप का निकाह हजरत हाज़र से करवा दिया अल्लाह ताला ने साल भर में ही हजरत हाज़र आई स्लम के बतन से हजरत इसमाइली सलाम को पैदा फरमाया बाद हजरत इब्राहिम स्लम अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत हाज़र और नौ मलूद बच्चे को लेकर फलस्तीन ऐसी नामूम मंजिल की जानब चल पड़े और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम स्लम अपनी जोजा और लखते जिगर के साथ सहराओं और पहाड़ों और मैदानों को अबूर करते हुए एक ऐसी वादी में जा पहुँचे जहाँ दूर दूर तक न कोई चिरिंद और न ही कोई पानी का नामो निशान लेकिन हैरान कुन तौर पर उस वादी के दरमियान एक बुरा दरख्त न जाने कब ऐसी अपने मकिनों के इंतजार में तनहा खड़ा था हजरत इब्राहिम स्ल्लाम ने अहलिया को दूध पीते मासूम लखते जिगर समेत दरख्त के नीचे बैठाया फिर खजूरों का थैला और पानी का मशकीजा पास रखा और कुछ कहे बगैर वापसी के लिए पलट गयी हजरत हाजिर अलीम ने जब ये देखा तो लपक कर दामन पकड़ा और बोली इब्राहिम हमें इस दस्ते ब्याह में कहां छोड़कर जा रही हैं हजरत अली सलाम के बाबर फयाद करने के बावजूद भी आप अली सलाम खामोश रहे तो उन्होंने अर्ज़ किया ए इब्राहिम क्या ये अल्लाह का हुक्म है आप सलाम ने फरमाया हाँ और दोस्तों बाज रवायात में आता है की आप अली सलाम ने जुबान ऐसी कुछ न बोला क्यूँकी यही अल्लाह का हुक्म था और असबात में सिर्फ सरहिला दिया हजरत हाजिर आलियालाम ने यह सुना या देखा तो बड़े यकीन और एतम के साथ फरमाया फिर हमारा परवरदगार हमें जया नहीं फरमाएगा हजरत इब्राहिम आगे बढ़े लेकिन उल्फते पिदरी के तहत मजबूर होकर एक टीले की ओट में पहुँच गए और फिर बारिता के हजूर दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया ऐ मेरे परवदिगार मैंने अपनी औलाद को इस मैदान बया बा तेरी इज्जत वाले घर के पास लाबसाया है ताकि ये नमाज पढ़े और लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहे और इनको मेवों ऐसी रोजी दे ताकि तेरा शुक्र करे फिर हज़रत इब्राहिम वहाँ ऐसी पलट गए दोस्तों हजरत हाजर अली स्लम आरोप अल्लाह की रहमत साया फगन थी अभी जै खत्म भी नहीं हुआ था कि अल्लाह ने मसूम इसमाई सलाम के कदमों तले जमजम जारी कर दिया जिसका तफसीली वाकया हम अपनी एक दूसरी वीडियो में बयान कर चुके हैंजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजिया से मरवी है नबी कर फरमाया अ पाक हजरत इसमाइल स्लम की वालदा आरोप रहमत फरमाए अगर वो पानी ऐसी चलू ना बहने देती तो वो एक बहते हुए चश्मे की सूरत अख्तियार कर लेता कुछ ही गुजरा था की बन जुरुम का कबीला हजरत हाजिर की इजाज़त ऐसी वहाँ आबाद हो गया और फिर अल्लाह अजल ने जल्द ही इस गैर आबाद वादी को शहर में बदल दिया दोस्तों अब बात करते हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की याद रहे कि हजरत इब्राहिम की उम्र 100 साल और हजरत सारा आई स्लम की उम्र नब्बे साल थी जब अल्लाह ताला ने इन्हें फरिश्तों के जरिए हजरत इसहाक़ अम की विलादत की खुशखबरी सुनाई जैसा कि इशाद बारी ताला है हमने इस यानी हजरत सारा आलिम को इसहाक़ की और इस के बाद यकूब की खुशखबरी दी इसने कहा अः मेरे परवर मेरा बच्चा होगा मैं तो बुढ़िया हूँ और मेरी मियाँ भी बुढ़े हैं ये तो एक अजीब बात है उन्होंने कहा की तुम अल्लाह की कुदरत ऐसी ताजुब करती हो तुम पर अल्लाह की रहमत और इसकी बरकतें हैं रवायात के मुताबिक हजरत इसहाम की पैदाइश के वक्त हज़रत इसमाइल इस्लाम की उम्र तेरह या चौदह साल थी और दोस्तों अब बात करते हैं ज़िबह अजीम की दोस्तों इब्राहिम को अल्लाह ताला ने अपनी अजीज तरीन शायद कुर्बान करने का हुक्म दिया ये ख्वाब आप को कई दिन तक लगातार नजर आता रहा तो आप अलीम समझ गए कि अल्लाह ताला बेटे की कुर्बानी का हुक्म दे रहा है शिनाचा आप अली सलाम ने मक्का मुकरमा जाने का इरादा फरमाया और साहबजादे को अपने ख्वाब सुनाया जैसा की अल्लाह तला सूर्य सफात की आयत नंबर एक सौ दो ऐसी एक सौ दस में फरमाते हैं और जब वो इनके साथ दौड़ने की उम्र को पहुँचा तो हजरत इब्राहिम स्लम ने कहा बेटा मैं ख्वाब में देखता हूँ की गोया मैं तुमको जिबा कर रहा हूँ तुम सोचो की तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है उन्होंने कहा की ए बाजान जो आपको हुक्म हुआ है वही कीजिए अल्लाह ने चाह तो आप मुझे साबरीन में पाएंगे जब दोनों ने हुक्म मान लिया और अब आपने बेटे को माथे के बल लटा दिया तो हमने इनको पुकारा के अः इब्राहिम तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया हम नेकोकारो को ऐसा ही बदला दिया करते हैं बिला शुबह ये सरी आजमाइश थी और हमने अपनी बड़ी कुर्बानी को इनका फतिया बना दिया और पीछे आने वालों में हजरत इब्राहिम सलाम का जिक्र खैर बाकी छोड़ दिया की इब्राहिम सलाम आरोप सलाम हो नेकोकारो को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं दोस्तों यूँ हजरत इब्राहिम सलाम की कुर्बानी बारगाह खुदाबंदी में कबूल हुई और इनके सादत मंद फर्मा बरदार बेटे की जगह जन्नत ऐसी बड़ी आँखों और सफ़ेद रंग का एक खूबसूरत मेढा जिबा हुआ अल्लाह ताला ने इस अजीम कुर्बानी को रहती दुनिया तक के लिए जारी कर दिया दोस्तों अब बात करते हैं हजरत हाजिर की वफात और हज़रत के नका की रवायात में आता है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र पंद्रह साल थी कि आप की वालदा और दुनिया की अजीम तरीन साबिर और शाकिर खतून हज़रत हाजिर अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुख्सत हो गई हजरत इसमाई स्म को वाला ऐसी बिछड़ने का बहुत ही गम था बल्कि पूरा कबीला ही सौग में डूबा हुआ था बलू जुरहम के लोगो ने हजरत हाजिर अलीमाम को आबेम के चश्मे के करीबी दफन कर दिया दोस्तों अब हजरत इसमाई असलाम अकेले रह गए थे चनाचा कबीले के लोगों ने आप्लाम की शादी अमारा नामी खतून ऐसी कर दी इधर हजरत इब्राहिम को अहलिया और साहबजादे की याद सताई तो मक्का मुकरमा तशरी ले आए। साहबजादे के घर का दरवाजा खटखटाया तो हजरत इस्माईल अम घर आरोप ना थे इनकी अहलिया की सर्द महरी और नामनासिब रवैये की बिना आरोप वो घर की चौखट तब्दील करने का मशरा देकर चले गये हजरत इसमाइल आई घर आये और वालिद का पैगाम मिला तो अहलिया को तलाक दे दी कुछ अरसा बाद हजरत इब्राहिम फिर तशरीफ लाए इस मरतबा भी हजरत इसमाइल घर आरोप मौजूद ना थे दरवाज़ा खटखटाया तो अहलिया ने दरवाजा खोला ये बनु जरहम के सरदार मिजाज बिन साहबजादी थी उन्होंने हजरत इब्राहिम अली सलाम को नहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ घर के अंदर बुलाया इनकी खातिर में दारत की इनके हर सवाल के जवाब में अल्लाह का शुक्र अदा किया हजरत इब्राहिम अली स्लम बहुत ही खुश हुए फरमाया इसमाइल आए तो कहना तेरे घर की चौखट बहुत अच्छी है इसे तब्दील न करना दोस्तों अब बारी आती है बैतुल्ला शरीफ की तमीर की रवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया कि मेरे घर की तामीर करो चनाचा एक बार फिर हजरत इब्राहिम मक्का मुकरमा तशरीफ लाए हजरत इस्माईली स्ल को साथ लिया और जिब्रिस्म की निशानदही और मदद ऐसी बैतुल्ला शरीफ की तामीर शुरू कर दी हजरत इस्माईली स्ल्लाम पत्थर और मिट्टी का गारा दिए जाते जैसा की कुरान पाक की सूर्य बकरा की आयत नंबर एक में अल्लाह फरमाते हैं की जब इब्राहिम और इसमाइल बैतुल्ला की बुनियादी ऊँची कर रहे थे तो दुआ भी करते जा रहे थे की अमारे परवरदिगार हमसे ये खिदमत कबूल फरमा बेशक बेश तो सुनने वाला और जानने वाला है जब दीवारें ऊंची हो गई तो फिर इन्हें मजीद ऊंचा करने के लिए हजरत हजरत इसमाहीजरत जब्राहिस्लाम की निशानदेही पर एक पत्थर ले आए जिस पर चढ़ कर हज़रत इब्राहिम काबे की दीवारें बुलंद करने लगे दोस्तों ये पत्थर खुद का जीने की तरह ऊपर नीचे और दाएं बाएं हरकत करता जन्नत के इस पत्थर पर हज़रत इब्राहिम के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। पहले ये पत्थर मुल्तजम और हजर अस्वत के दरमियान काबे शरीफ की दीवार से मुंसलिक था फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्हा ने अपने दौरे फत में इसे वहाँ ऐसी हटवा कर मौजूदा मुकाम आरोप नसब करवा दिया काबे की तमीर के बाद हजरत जब्राहली स्लम की निशानदेही आरोप इसमाईलीसम जबले अबू कैस गए जिसकी आगोश में जन्नत का एक और या कूत हजर असवद महफूज था इसे हजरत इब्राहिम ने काबा शरीफ के जनूबी कोने में नसब फरमाया तिरमिजी शरीफ की एक हदीस है कि रसुल्ला उल्हु उल्हु ने फरमाया फरमायाजर असवद जन्नत ऐसी आया हुआ एक पत्थर है यह दूध ऐसी ज्यादा सफ़ेद था बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्या कर दिया कुरान पाकि सूर्य हज की आयत नंबर सताईस में अल्लाह तला फरमाते हैं कि बैतुल्ला शरीफ की तमीर से फारिग होने के बाद अल्लाह ने हुम दिया लोगों में हज का ऐलान कर दो और दोस्तों ये अल्लाह ताला की कुदरत थी मक्का की एक पहाड़ की चोटी से बुलंद होने वाली सदा दिल नमाज दुनिया के कोने कोने तक पहुँच गयी समा पर हर जीरू ने इसे सुना याद रहे की अल्लाह अजवजल ने हज़रत इब्राहिम को दो अजीम फर्जंद अता फरमाए और दोनों को नबोत ऐसी सरफराज फरमाया हजरत इसमाइल असलाम के नस्ल ऐसी अरब के तमाम कबाइल वजूद में आए और याद रहे की आप इस्लाम की औलाद में ऐसी ही इमाम अम्बिया आकए दो जहाँ ख़ातिमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला दुनिया में रौनक अफरोज हुए जबकि हजरत इसहाक अली सलाम ऐसी हजरत याकूब अली सलाम पैदा हुए जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है और इसीलिए इनकी नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं बनी इसराइल में जो अम्बियालाम दुनिया में माबूस हुए इनकी तदाद बहुत ही ज्यादा है तहम बनी इसराइल में नबोद का सिलसिला हजरत ईसा पर खत्म हुआ दोस्तों कुरान पाक में हजरत इब्राहिम की जिंदगी का एक वाक़ बयान हुआ है जो की मुशाह कुदरत की फरमाइश ऐसी मुतलिक याद रहे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कायनात की तखलीक पर गौर और फिक्र करते और इसकी असलियत मालूम करने की जस्जू में रहा करते थे एक दिन अल्लाह ताला से अर्ज किया ऐ महुदे हकीकी मैं ये देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर साठ में अल्लाह ताला इसका जिक्र यूँ फरमाते हैं और जब इब्राहिम ने अल्लाह से कहा कि ऐ परवरदिगार मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा अल्लाह ने फरमाया क्या तुमने इस बात को बाबर नहीं किया उन्होंने कहा क्यूँ नहीं लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूँ कि मेरा दिल इतमान कामिल हासिल करे दोस्तों फिर अल्लाह ने फरमाया चार परिंदे पकड़कर अपने पास मंगवाओ और टुकड़े टुकड़े कर दो फिर इनका एक एक टुकड़ा एक एक पहाड़ पर रख दो फिर इनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे और जान रखो की अल्लाह गालिब और साहिब हिकमत है चनाचा अल्लाह तला के हुम ऐसी चारों पहाड़ों पर रखे हुए परिंदों के मुख्तलिफ अज़ा इनकी तरफ आते रहे और जुड़ते रहे यहाँ तक की इनके बदन के तमाम अजहार आपस में जुड़ गए इन पर पहले की तरह पर आ गए और वो जिंदा होकर उड़ गए दोस्तों याद रहे कि असल में अल्लाह ताला ऐसे मोजात से मुंकरों को ये बात दिखाना और समझाना चाहता है की अल्लाह तला हर शह आरोप कुदरत रखता है लेकिन जिनके दिल स्या हो वो तो अल्लाह की कुदरत का इकरान नहीं करते